हर हौ से लाओ बुलंद हौ मरल जियल पसंद हर हौसला बुलंद हौ मरल जियल पसंद ह तूफान खाकी वर्दी में बारूद बन के बंद ऐसन उबाल खून में आ जाए जो जुनून में ऐसन उबाल खून में आ जाए जो जुनून में तो मनो की कर दे तबाही सिपाही जैत में जैत जैत सत में जैत सिपाही जैत में जैत जैत सत में जैत सिपाही जैत जैत सत में जैत सिपाही जैत में जैत जैत सत में जैत लड़े के बाटे धर्म युद्ध कर विशाल गर्जनों मिटी भले ही जिंदगी मिटी कबोय फर्ज ना लड़े के बाटे धर्म युद्ध कर विशाल गर्जनों मिटी भले ही जिंदगी मिटी कबोय फर्ज ना बैन प्रेम देख ना ही अपना बनाया जो भी हम कन्नार सबके कर दे समाया इतिहास लिख दे बन के सियाही सिपाही जैत में जैत जैत सत में जैत सिपाही जैत में जैत जैत सत में जैत सिपाही जैत जैत सत में जैत सिपाही जैत में जैत जैत सत में जैत कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर के एक स्कूल पीएल एकेडमी के एक क्लासरूम में कुछ बच्चों को बंधक बना लिया है। उनका कहना है कि वो अपनी मांगे निहत्थे पुलिस वालों को ही बताएंगे। अब देखना ये है कि पुलिस इन लोगों से कैसे निपटती है। कैमरामैन सरफराज के साथ मैं कविता झा। अंकल हमें छोड़ दो। चुप। देख कौन आया। क्या है बे? बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। काहे का गलत कर रहे हैं बे? आ गई लिया था। अब बजी ओगनी के बाजा। तेरे इंस्पेक्टर को मार भगाया, अब तू सिपाही चला आया। जा तेरे एसपी को भेज। तोहनी जैसन ऊंट बिलार को कुर्सियार खातिर सिपाही के दहाड़ ही काफी है। अरे क्या हुआ? अरे लगता है भैया गोली घर पे भूल गया मैं। शिट यार। बच्चा लोग बाहर जा। अरे हमारी मांगों का क्या होगा? अरे हम बानी ना। बच्चा लोग बाहर जा। बताओ का मांग मत होने की? उम्र हो गया, रिवाल्वर नहीं चला सकते, दादागिरी नहीं कर सकते, हमें पेंशन दिला दो ना। अच्छा पेंशन चाहिए? हाँ। एक आसान सवाल का जो जवाब दे दे उकरे के पेंशन मिली। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। पर अगर गलत जवाब भाई तो पनिशमेंट भी मिली। मंजूर है, वो भी मंजूर है। तब पहला जवाब के दे। मैं आजा। पूछ, क्या पूछना है? ऊंट बिलार को कुर्सियार, राजा कौन? ऊंट। गलत जवाब। हाथ निकाल। पुलिस में काम करबा? जरूर करूंगा, देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। चल आ
आज से तू पुलिस के काम। जय हिंद। तू आ। बोल क्या पूछना है तुमको? हाँ सेम सवाल। बिलार। गलत जवाब। मारे ग्रह के मारू? हाँ हाँ तू मार पुलिस के। पेंशन चाहिए? जरूर। आ जाओ भैया। मैं ऊंट बिलार कुकुर सियार। पेंशन चाहिए? हाँ जरूर चाहिए पेंशन। ऊंट बिलार कुकुर सियार राजा बन। सियार। गलत जवाब। हाथ निकाल निकाल। यहाँ पकड़ 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 के ले। बता ऊंट बिलार कुकुर सियार राजा कौन? कुकुर। बेटा ऊंट बिलार कुकुर सियार कितनों बड़ा हो खल जाए लेकिन राजा हमेशा शेर होला। गलत जवाब। एकरा के तब तक मारा लोग जब तक ही मूत ना दे। अच्छा मार, 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 मार। ऐसे कहां देखा था? नहीं तुहरा होठवा से लाली टप 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 कता मन करता कच देना खाली। दत्त लाली लाली होटावा से चुवतावे लाली ए लाली लाली होटावा से चुवतावे लाली 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 होटावा से चुवतावे लाली। अमरपाली रे मन करे गाच देना खाली। अमरपाली रे मन करे गाच देना खाली। गोरे गोरे गाल जैसे दूधवा के छाली। गोरे गोरे चाली अमर पाली रे मन करे काच देना खाली। अमर पाली रे मन करे काच काच काच। हाँ काठी खियावले रानी बोला मम्मी पापा का भाईल गोल कप्पा हो काठी खियावल रानी बोला मम्मी पापा हो गट से कटो तली का भाईल गोल कप्पा हो। चीखे खातिर काहे तू अड़ गईला तू अड़ गईला। काहे निरहु तू ऐसे बिगड़ गईला ओ काहे निरहु तू ऐसे बिगड़ गईला। बड़ा निक लागे बोल भले
अमर पाली रे मन करे गाच बिना खाली अमर पाली रे मन करे गाच 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 खाली तुहार दुनु लगातार रिस्की हो जान लल कहियो हमर लागे बड़ा रिस्की हो ए मैडम अखिया तुहार दुनु लगातार रिस्की हो जान लल कहियो हमर लागे बड़ा रिस्की हो चिल्ला क्या रहे हो? मैं भूत लग रही हूँ क्या? क्या ना। सुबह के 8 बज रहे हैं और तुम अब तक यहाँ खराटे ले रहे हो। पिंटू साहब को नाश्ता कौन कराएगा? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमसे बात कर रही हूँ। अब मैं कराऊंगा मैडम। तो कब कराओगे? कल सुबह? नहीं नहीं अभी 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 करा। तो जाओ जल्दी कामचोर। जी मैडम। दूध में चीनी बिल्कुल मत डालना, हनी डालना हनी। पिंटू साहब को चीनी बिल्कुल नहीं पसंद है, अंडरस्टैंड? यमान। हाँ ओके। यहाँ शक्कर नसीब नहीं के होत, इनके शक्कर से एलर्जी बा, हनी चाहिए। गुड मॉर्निंग पिंटू साहब, रोज की तरह आपकी सेवा में सिपाही हाजिर है। Who let the dogs out? वाह, कितना अच्छा लगा था ना। हिंदुस्तान के वो जिम्मेदार सिपाही देश सेवा छोड़ के कुकुर सेवा में नियुक्त भइल बा। 10 किलोमीटर दौड़ लगा के, चना खा के, दूध पी के, मेहनत करके सिपाही बने की कुकुर के सेवा करे खातिर। अरे का भाई खिसियात कह मानी? अरे कुकुर जे कह देला यही से और का। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर सॉरी। मंत्री जी, एक विचार आयल बा हमरा मन में कि अगर हमनी के दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कैसन रही। लेकिन ढेर घुमा फिरा के ना हम साफ साफ कहब, हम अपना बहन के बियाह राहुल बेटा राहुल से कल चाहता नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात हो। अरे हमरे मुहे का बात छीन लेला भाई तू ता। तब घर पहुंचते ही खबर हम सावित्री और आम्रपाली के सुना दे। बस एक बार दोनों लड़का लड़की मिल ले, वैसे तो दोनों आपस में एक दूसरे के जाने ले, फिर भी एक मुलाकात हो जाए तो हमारा के लगे तो ठीक रही। ना ना बहुत जरूरी बा, एक दूसरा के समझे बहुत जरूरी बा। काहे कि जिंदगी उन लोगन के गुजारे के हो ना साथे। हमने साथे है ये। ठीक बा, अब आज्ञा दी। जय हिंद सर। पिंटू काजी, राउर नाइट ड्यूटी रहे और हमरा के बतौनी ना। अरे पुलिस के नौकरी में सावित्री का नाइट और डे 24 घंटा का ड्यूटी रहे। अरे हाँ, वो सब छोड़ा, एक खुशखबरी बा। का? आम्रपाली, वो बेटा मिनिस्टर जी के बेटा के साथ हम तो रिश्ता तय कर देले बानी। वो लड़का तो तोरा के पसंद बा ना? भैया, आप लोग मेरे लिए जो भी पसंद करेंगे वो अच्छा ही होगा।
शर्मा गई। यादव कहाँ है? मैडम जी तो मैदान करे गए बड़े। मैदान? वो देखी आओ तारे। गुड मॉर्निंग मैडम। कहाँ गए थे? मैदान करे। व्हाट रबिश, टॉयलेट में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ क्या कांटे बिछे हैं? अरे ना, टॉयलेट में महकेला और दूसरे जोले हम खुला में ना जाए हमारे पेट साफ ना। और ये फावड़ा क्यों लियो हाथ में? नहीं के पता। अरे आजकल स्वच्छ भारत अभियान चलल बा, तो पहले फावड़ा से गड्ढा खोदी ले, फिर शौच करी ले और फिर ऊपर माटी डाल दी ले। पेट भी साफ, मैदान भी साफ। स्वच्छ भारत, स्वच्छ प्रदेश। तुम ना गवार हो और गवार के गवार ही रहोगे। पिंटू को भी वॉशरूम जाना है, कब से भौंक रहा है, उसे ले जाओ। ये बात। और इसे क्यों लेके आए अंदर? मैंने मना किया था ना इसे मत लेकर आना। ए, हम ना लिए नहीं है मैडम। ए बक 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 बक। गजब इसकबाज कुतिया भाई, जब देखा तब पिंटू साहब के पीछे पड़ल रहे। अच्छा जाना तारा लोग का ई मैडम जी पिलैया से काहे इतना जरेली? काहे पिंटू पातर हो जई हैं सब तिनिया के चक्कर में, पिंटू पातर हो जई हैं। और सुना, जहां सोच वही शौचालय। अरे क्या हुआ, पिंटू क्यों भौंक रहा है? मैडम हम का बताएं, ये बीच सड़क ही अब मैदान करे लगले हैं। तो हम मना कहनी है कि कहे बीच सड़क पे गंदगी फैलावा तारा, तनी साइड में जाके हगला। भारत स्वच्छता अभियान चलता, मंत्री जी नाराज हो जाइए, बस यही पर इनका पारा सातवां आसमान पे चढ़ गया। शट अप डर्टी माइंडेड। या बा क्या हो गया पिंटू, चुप जाओ बेबी। बड़का छीना रावा, चुम्मा पौते चुप हो गई। क्या बड़बड़ा रहे हो? ना ना कुछ ना, मतलब ये कतरा नहीं है कि पिंटू साहब एकदम शांत हो गए ने, बहुत जादू बाप के चुम्मा में। अब चुपचाप पिंटू बेबी का ख्याल रखो। जी मैडम। अरे का भइल? मैडम जी पिंटू साहब ना गुस्सा हो गए लले, तो मैडम जी चुम्मा देके चुप करा दे लिया। के चुम्मा देके? पिंटू साहब के और काम के दिए। वो का है ना, अमरपाली पिंटू के तनिको तकलीफ में ना देख सके। हाँ अच्छा सुन ले है कि लंदन से आये हुए। हाँ यही से इनका रहा कि यहाँ के पानी सूट नहीं खे कर, वैसा हूँ इनके वहाँ से ली आवे में बहुत खर्चा भइल हुई। पूरा 2.5 लाख। 2.5 लाख? आई हो माई, ये बहुत घाटा के सौदा भइल बा। काहे? अरे इनके बदले में 5 गो जर्सी गाय आयल रहती सा, पूरा घर भर दूध से लबालब भर जाई। घर के लोग तो दूध दही खैबे करी, पड़ोसी लोग के भी खाए के मिलल रही। अच्छा आपे बताई, ये पिंटू साहब 200 ग्राम दूध दी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिंटू बेबी को गाय से कंपेयर करने की? I'm very sorry madam. Shut up, stupid. पिंटू तुम जाओ वहाँ खेलो, जाओ बेबी। यादव हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। जी। 2 दिन तक मेरे पिंटू बेबी का अच्छे से ख्याल रखना। जी। और सुनो, अगर पिंटू के देखरेख में कोई भी कमी हुई ना तो समझ लो तुम। जी। पिंटू पिंटू मुंह मत फेरो, यहाँ देखो ना, नाराज हूँ मुझसे। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। I'm going to miss you. Bye. Oh,
साबुन से पिंटू के नवाइला खुद के मैल हम झावा से छोड़ाइला महंगा महंगा साबुन से पिंटू के नवाइला खुद के मैल हम झावा से छोड़ाइला ना से तहमे पानी कोजे हो जाला हबेन हो मैडम जी बिगाड़ देली हमारा सबे रहो चोरावा नु चकवंत करे निनास हो कुछ नहीं कहीं पड़ल हमारे में बास हो अरे कवनो सुझत नहीं के रहिया भैया बानी हम घंटा के सिपाहिया भैया बानी हम झूठो हो के सिपाही हड्डी इत खत बट गुहदा एक सब्जी कह हमरा के बहुदा अरे हम खाए हड्डी इत खत बट गुहदा एक सब्जी कह हमरा के बहुदा इत उठे बैठे ले मैडम जी के कोरा हम सूती भुइया बिछा के रोज बोरा सूत खाती एक लगत मच्छरदानी हो हम के नसीब नहीं हो लचूहो दानी हो अरे कब आई हमरो समैया भैया बानी हम घंटा के सिपाहिया ए भैया बानी हम झूठो के सिपाही अरे उठा मर दे यादव पिंटुआ भुखाइल बा बहुत भौकता चला जल्दी से इले पिंटुआ के महबूबा का भी फोन आ गई ई तो हमर जियल हराम कह देले बा चल अरे अरे चल पोजीशन लेता रे पिंटुआ भुखाइल नाश्ता तैयार कर दे ये बाल लाए पिंटू साहब खा ले अरे खा ले करबे नाटक अबे खो जा सर खइबो तो खा ना तो मर का भइल हो यादव अरे नवाब साहब खाते नहीं खन यार फिर से खिसिया गेल बड़े का खिसियाइल नहीं खे सर अपने महबूबा के हाथ से खइए सर खइबो तो खा ना तो जा मर ला इनका महबूबा के फोनो आ गए ये बात जी जी मैडम यादव पिंटू क्या कर रहा है उसने अभी तक नाश्ता किया कि नहीं अब नहीं मैडम पिंटू साहब नाश्ता सूंघ के हट गए खा ही नहीं रहे हाँ तो इतना लेट नाश्ता दोगे तो क्या करेगा पिंटू साहब को फोन दो जी हैं पिंटू साहब के फोन दो ये बात मैडम पिंटू साहब कैसे फोन पकड़िए बतियाला पिंटू माय डार्लिंग देखो गुस्सा नहीं करते हैं बाबू प्लीज खाना खा लो प्लीज खा लो देखा तारा एकरा के बड़का छिनरा महबूबा से बात होते
गपर गपर खाए लगा। सरवा बड़का कुकुर। अरे जो सब ठीक ठाक तो ना। अरे मरते इतना काट रहा है गेला कि भूखे लगला। पागल कुकुर काटेला तब भूकेला। एक दूगो सुई ले लेबा पेट में सब ठीक हो जाई। यादव सुकर मनावा पीछे कटला था आगे कटले हो सॉरी पिंटू साहब बहुत गलती काम कर बड़ा तू। मर जाई। अरे भैया ये क्या करता। एकदम ऐसे ही चुपचाप शांति से बैठा। माय बेबी बोल दो पिंटू मैं आ गई। आई मिस यू सो मच पिंटू। क्या हुआ। अरे अब तक मुझसे नाराज हो। अब तो मैं आ गई ना पिंटू। भाभी देखिए ना पिंटू को क्या हुआ ये रो रहा है। बाद में फोन करता हूँ। तनी देखिए ना कहा भाई। एक मिनट रुको रुको रुको। अरे ये तो चोट लगल है। अरे चोट चोट किसे। यादव यादव जी सर। का कहला तो पिंटू के साथ चोट किसे लगल। हम कुछ ना करी सर। फिर पिंटू बेबी को इतनी चोट कैसे लगी। तुमको जिम्मेदारी दी गई थी ना इसकी। यादव जवाब दो तुम्हारे पे जिम्मेदारी डाला। कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो इनको टाइम से खाना नाश्ता दिया। सुसु मैदान भी करवाया। चाहिए तो पूछ लीजिए। लुक यादव मैं तुमको लास्ट बार पूछ रही हूँ सच सच बताओ तुमने पिंटू बेबी के साथ क्या किया वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना। एक मिनट बताओ तुम लोग क्या मर रहा पिंटू के। पिंटू साहब के तो हम देवता मान ही लिए। ना सर पिंटू साहब तो हमार दूसरका साहब हमारे। जी 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 पिंटू साहब तो हमार छोट भाई हमन भला हम। देखो सही सही बतावा तू लो नहीं तो सबके सस्पेंड करब हम। सर हमनी के सस्पेंड ना करी। यादव लाठी से बहुत मरले बाड़े। इसकी इतनी हिम्मत। इसने पिंटू बेबी को लाठी से मारा। अमरवाली एक मिनट यादव तो पागल हो बाड़े का है लाठी से मरना पिंटू के। सर क्या करे सर हमको इतना गलत जगह काटे कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वो तो सुई लगा पेट में तब जाके हमारा जान बचा नहीं तो हम आपके सामने जिंदा नहीं रहते सर। सॉरी सर बस अंत पर अच्छा हुए थोड़ा एक दो डंडा सॉरी बोल बोल के मारे हैं सर और ये हमको माफ भी कर दिए। आप लोग भी माफ कर दीजिए सर। बकवास मत करा डॉक्टर के लेके आओ। डॉक्टर के लेके आओ। यस सर जी सर। सामान निकाला तू लोग। जी सर। घबरा मत कुछ लो कुछ लो पिंटू ठीक हो जाएंगे। अवैध खनन शराब ड्रग्स हत्या बलात्कार ये सब जघन्य अपराधन पर अंकुश लगावल चाहिए और हमरा के जौन जिम्मेदारी मंत्री पद का दिहल गल हो हम उसे भी ज्यादा ईमानदारी से काम करब। जनता जनार्दन से करल आपन वादा निभाई। सर कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव में आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से जबकि आप पहले छोटे मोटे अंडे की एक दुकान चलाते थे। का कहत हुआ जब एगो पीछे वाला मंत्री बन सकेला तो हम तो अंडा बेचत रही। रहल पैसा के बाद तो हम जनता जनार्दन के सामने अपन झोली फैला देली। फिर पैसे पैसा और बतावा। कुछ लोगों का कहना है कि आप जिले के बड़े बड़े माफियाओं से फंड लेकर चुनाव लड़े हैं और आप मंत्री भी बन गए हैं तो क्या आप उनका ही सपोर्ट करेंगे। ये सब बेकार बात हो ये विरोधी पार्टी का प्रोपोगंडा हो। हाँ। आपके पार्टी के विधायक बब्बर सेठ जो कि बहुत बड़े बाहुबली हैं सुना जा रहा है कि आप उनकी वजह से राजनीति में आए हैं। अरे बब्बर सेठ एगो बहुत बड़ समाज सेवक पाड़न। हाँ उनका आशीर्वाद हमरा ऊपर बा। उनका नाम भी अवैध खनन और तमाम अपराधों में उछल रहा है इसके बारे में आपको क्या कहना है। अरे ये सब विरोधी लोगन का चाल बा। आप लोगन के पास कोनो सबूत बा का। सर है? मीटिंग का टाइम हो गया। हमके विधानसभा में मीटिंग में जाए के बा बाकी बातचीत बाद में हुई। चलो 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 अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
मैडम जी इसको कहाँ रखें? मेरे सर पे रख दो, रखो उधर। जी आपके ये बाल। क्या अब जी मतलब बहुत अच्छा स्टाइल बा कसरत करे के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, पर जाना था नहीं मैडम इस सब कहिला से कुछ होके वाला नहीं खे। रोज सवेरे कोनो नहर के पटरी पर 4 किलोमीटर बिना जूता के दौड़ी, 1 महीना में देह आधा हो जाए। तुम जब मुंह खोलोगे गटर ही निकलेगा ना। कुछ गलत कह दे निकाह मैडम। भैया कुछ गलत बोल दे निकाह। यह तो सब करिया, बाकी मैडम के पतला होके की सलाह मत दिया। सलाह देवे वाला की मैडम चप्पल से बात करेली। अच्छा हाँ यार, एसपी के पहिन पाड़ी जेल करा दी ही। जेल करा दी है? मस्त दिखा के और ब्यूटी मस्त दिखा के माता फेल करे गुक्का। जेल करे गुक्का है तू की जेल करे गुक्का, जेल करे गुक्का है तू की जेल करे गुक्का, जेल करा के बोला फिर तू फेल करे गुक्का। अरे भैया आज के ताजा खबर, मैडम के साथे पिंटू साहब जाइए दहेज में। अरे खाली पिंटू ना, यादव भी जाए दहेज में। अरे पिंटू साहब के सेवा पानी के करी। अच्छा और तू ना जी बात वहाँ अलुआ के झीली।
ई जइए ना। हम आई पालगी। खुश रहा बेटा। सुना हमने काल दुर्गा माई के जाके करहिया चढ़ायल बानी। एकदम चिंता मत करिया, तोरा के चौकी अब जल्दी ही मिल जाई। अरे बहुत जरूरी बा माई, अब यहाँ तनिको मन निखे लगा, पता न कब थाना चौकी मिली हमके। अरे लग जाए बेटा, हाँ चिंता मत करा, एकदम एकदम चिंता मत करा। ले मीनूमा से बात कर। ले भैया, भैया प्रणाम। हाँ खुश रहा बहनी। अरे भैया घर में खूब देखवारा बतवारे, अब जल्दी से ब्याह कर। अरे यहाँ हमार जीवन के बर्बादी हो रहा बा, तो के शादी के पड़ल बा। रखा फोन। यादव साहब बुलाओ हमें, जल्दी जा। गईले पिंटू साहब के सेवा में। यादव जी सर, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जो भुवनेश्वर नाथ का मंदिर है याद है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, और रास्ते में मंत्री जी का फार्म हाउस पड़ेगा, उनका बेटा राहुल तुम लोग को ज्वाइन करेगा वहां से। आम्रपाली को तुम लेके जाओ वहाँ। ओके सर। और हाँ ध्यान से। जी सर। भैया प्लीज, यादव नहीं, ये कोई ना कोई मुसीबत जरूर पैदा करेगा भैया प्लीज। अब भरोसा रखिए मैडम जी, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। यादव जी सर। अच्छे से। यस सर। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम जाओ। जाओ ना। टेंशन मत। रूपाली जा। टेक केयर। जय हिंद सर। जय हिंद। यू आर क्रेजी। ऑफ कोर्स आई एम क्रेजी, तुम्हें देखते ही मैं पागल हो गया था। अच्छा तो बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी, किसी की जान ले भी सकता हूँ और तुम्हारे प्यार के लिए जान दे भी सकता हूँ। बस चाहे कुछ भी हो जाए, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या किए? यादव कुछ करो। अरे हम क्या करें, जा जल्दी बचावा ना तो डूब जाई। अरे मुझे पानी में तैरना नहीं आता है। अरे यार अभी तो कहता लगी तोरा खातिर जान दे दे, तोरा खातिर जान ले ले, तो के खरोच ना आवे दे। अरे यार डूब जाई तो ब्याह कैसे कर बजा। अरे भाई जान बचेगी तो ब्याह बहुत होगा। बेटा तू भाग सकेला, हम कैसे भाग सके नहीं। अरे का भेल का भेल? अरे पानी में गिर गेली है मैडम जी। पेट में पानी भर के दबावे के पड़ी। जट एसपी साहब के भाई नहीं, बगलेट कहीं के पानी निकले मैडम जी। अरे मर्दे जोर से दबावा। सांस तो चलो था लेकिन होश नहीं किया आवत। मुंह में फूंक मारा होश आ जाई। अबे साहब के भाई नहीं, कैसे मुंह में फूंक मारी? अरे सूप काम हम ही कर देता नहीं। अबे अपन शकल देख लिया, सर मुंह में फूके। अगर मैडम के पता चली कि तोरा मुंह में फुकला से इनका होश आईला तो नदी में कूद के जान दे दिए। मैडम जी हे भगवान हम का करें। सॉरी मैडम, ये लो कहला कि मुंह में फुकला से जान बच जाए। हम जानबूझ के ना फूकने मैडम, गलती हो गई ला और पानी लिया देता नहीं, मुंह धो लें आप। कोई बात नहीं यादव, चिंता मत करो, तुमने ठीक किया, तुमने तो मेरी जान बचाई है। राहुल कहाँ है यादव? राहुल कहाँ है?
वो तो जान बचा के भाग गई ले। भाग क्या? काहे परेशान होत बानी? बैठी, वो लोग आ जाई हैं। भैया। आम्रपाली, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। कहाँ भाई? क्या है यादव? समझा के भेजा था ना तुम्हें कि ध्यान रखना, और ये ध्यान रखा है तुमने? तुम आदमी हो कि पजामा यार? सर वो हम क्या बकवास मत करो, जाओ ऐसे, जाओ। भैया, आपने यादव को क्यों डांटा? उसी ने तो अपनी जान जोखिम में डाल के मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होता तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। अगर आपको किसी को डांटना ही है तो उस राहुल को डांटिए। एक तो इतनी रफ ड्राइविंग करा था, और उसके बाद उसकी गलती की वजह से जब मेरी जान को खतरा हुआ तो भाग गया। ये कैसा आदमी है? बबनी, ऐसा ना कहे के चाहिए, वो तो हर होखे वाला पति है। भाभी प्लीज, ऐसे आदमी की जीवन संगिनी बनने से अच्छा तो किसी लड़की की मौत हो जाए। आम्रपाली, कूल बेटा, गो एंड टेक रेस्ट, जाओ आराम करो, जाओ बेटा। देखा पिंटू साहब, गाढ़ा जहाँ खनब वही में हगिया, यहाँ वहाँ गंदगी कई बहुत गलत बात। यादव जी मैडम, कहाँ जा रहे हो? पिंटू साहब के सोच करावे जाता नहीं मैडम जी। रुको, रामदीन जी। मैडम, आज से पिंटू का ख्याल आप रखेंगे। जी जी मैडम। ऐसा मत करी मैडम जी। मैडम जी, हमसे गलती हो गई मैडम जी, पर वो बहुत मजबूरी रहे मैडम जी, वो आपके जान के खतरा रहे, इस मजबूरी में हमके आपके मुंह में फूके के पड़ा, हमके माफ कर दी। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अच्छा, बल्कि नाराज तो तुम्हें मुझसे होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत भूल कर दी यादव, तुम सच में एक बहुत बहादुर सिपाही हो, और मैं तुमसे ये सब काम करवा कर अपराध कर रही थी, मुझे माफ कर दो। ऐसन बोल के हमके शर्मिंदा मत करी मैडम जी। अच्छा, एक बात पूछूं? जी मैडम जी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतना भला बुरा कहा, फिर भी मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी और पानी में छलांग लगा दी। अरे मैडम जी, वो तो हमारा फर्ज रहे, और वर्दी के गो जिम्मेदारी होला, जब इस शरीर पे पड़ जाला तो आदमी की जान के ना फर्ज के चिंता हो खेला, और पानी का आग में गिर लेती तो हम हो में कूद जाती। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यादव, आज मुझे तुम में एक अलग इंसान दिख रहा है। हमारे देश को तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है। मैं आज तक तुमसे इतनी बदतमीजियां करती रही, आई एम रियली सॉरी। अरे ना मैडम जी, आप हमके माफ कर देनी, इतने बहुत बात। अच्छा बताओ, तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम मांगो, तुम आज कुछ भी मांगोगे तो मैं दूंगी। कुछ भी? हाँ कुछ भी। लागत आज मन के मुराद पूरा हो जाए। बोलो यादव। मैडम जी, अगर आप हमके कुछ देवल चाहता नहीं तो हमार पोस्टिंग कोनो थाना या चौकी पर करवा दी। इतनी छोटी सी चीज मांगी है तुमने? मैडम जी, आप खातिर छोट चीज हुई, हमार तो बचपन से ये सपना रहे, और जवान भैला के बाद पुलिस में भर्ती भई, और ये सोचत रही कि थाना में पोस्टिंग हुई और गुंडा बदमाश लोग के दौड़ा दौड़ा के मारे, प्रमोशन मिली और हम तो एसपी तक बनना चाहता नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और देखना तुम जरूर बनोगे। जाओ अपना सामान पैक कर लो, मैं भैया से कह के कल ही तुम्हारी पोस्टिंग किसी थाने पे करा दूंगी। थैंक यू मैडम जी। सो स्वीट। अरे माई प्रणाम। खुश रहा बचवा। माई तोर पूजा सफल हो गई। देवी माई तोर सुन ले लिया, हमार पोस्टिंग थाना पे हो गई। अच्छा, अरे दुर्गा माई तो हर लंबी उम्र करे बेटा। हम काले काली माई की जाके करहिया चढ़ा के आई। खुशी में सुना बस को पता हो लिया था बस। अरे माई ठीक है, लेकिन सुन जल्दीबाजी मत करिए। हाँ, काहे कि हम अपन ब्याह अपने पसंद से करब, लड़की देख के। अच्छा अच्छा ठीक बा, अब रखा, कुल बात फोन पे मत करा। अच्छा हाँ, अभी हमके पैकिंग करे के। अच्छा ठीक बा। हाँ ठीक है, पालन। यादव जी मैडम, किससे बात कर रहे थे? हाँ, माई से बात करत रहनी है, उनके जब पता चला लगे हमार पोस्टिंग हो गई बा थाना पे, बहुत खुश हो गई लिया। अच्छा, और किसकी शादी की बात हो रही थी? हाँ,
हमरे ही शादी की बात होत रहा बहुत देखनिहार आवतारे सन तब उहे हम कहनी है कि जल्दीबाजी कैल ठीक नहीं की। अच्छा अभी तुम फोन पर बोल रहे थे कि लड़की को देखोगे पसंद करोगे उसके बाद शादी करोगे, तो कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो? अरे शर्मा क्या रहे हो, किसी से प्यार व्यार करते हो क्या? अरे ना ना मैडम जी ऐसा कोनो बात नहीं है। तो बताओ ना कितनी सुंदर लड़की चाहिए? अब बस सुंदर होके के चाहिए और का। अरे बस सुंदर मतलब कितनी सुंदर? मैडम जी हम बताएं तो आप नाराज हो जाए। अरे मैं क्यों नाराज होंगी, बताओ ना कितनी सुंदर लड़की चाहिए? मैडम जी आपे की जितना सुंदर होके की चाहिए। मेरे जितनी? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? अरे मैडम जी आपके जितना सुंदर देश में एक आधे को मिली है, करोड़ों में केहू केहू होला आपके जितना सुंदर। थैंक्स, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हें मेरी ही तरह लड़की मिले। थैंक यू मैडम जी। ये लो यूनिफॉर्म, एक सिपाही को देने के लिए मेरे पास इससे अच्छा तोहफा नहीं था। थैंक यू। और ये मोबाइल भी रखो, मैं व्हाट्सएप पे तुम्हें मैसेज किया करूंगी। थैंक यू मैडम जी। मैडम जी जब हमरा खातिर इतना कुछ कहनी है तब एगो काम और कर दी। क्या? हमके 2 दिन की छुट्टी दिलवा दी, हम घरे जाके आ जाए। मैं भैया से बात करूंगी। थैंक यू। अच्छा राकेश भाई। भैया हमरा से कोनो गलती हो गई हो तो माफ करिया। अरे यार माफी मत मांगा, तू सच्चा आदमी होगा और सिपाही के सच्चा रहे के चाहिए। ठीक है भैया। काओ पलटू। अरे यार काहे रोता रहा? ना यादो ये खुशी के आंसू है, तू हर सपना पूरा हो गई। थैंक यू यार, चला रामदीन भाई। तो यार बहुत याद आई मर्दे, तेरे के बहुत मिस कर। अरे यार तो फोन करिया, मिले आज कोनो विदेश जाता नहीं। चलो ध्यान रखिए अपन। यादव ओहो का भाई अब आओ चलो। आ तू चलबा तो यहाँ अलुआ के छीली। अरे यार अपन ध्यान रखिए लोग। अच्छा चश्मा निकाला हमके लगावा। हाँ चला ध्यान रखियो लो। जय हिंद। वाह अब लग रहे हो ना दबंग सिपाही, बहुत जच रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, हम आपके एहसान जीवन भर ना उतार पाए। यादव ये एहसान नहीं है, तुम इसके हकदार हो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया है तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजूंगी, अगर तुम्हारा जवाब हाँ होगा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने एहसान उतार दिया। जी मैडम जी। सुनो ना एक सेल्फी हो जाए। जी मैडम जी। थैंक यू मैडम जी। वो साहब से मुलाकात हो सकती है? हाँ भैया। यादव जा रहा है। काबिल चलता हूँ सर। अच्छे से ड्यूटी करिए, अपना ख्याल रखिए। जी सर। जय हिंद। हेलो। अरे पिंटू साहब जायदा, अरे हम आई तो से मिले जायदा, अरे हम आई आई तो से मिले खातिर आई तो से जरूर मिले आई हम। हाँ हाँ आई 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 बाय बाय। अरे सुनो पिंटू यहाँ आओ। नफरत थी जिसकी अक्स से वो रूह बन गया, नजरों के रास्ते वो दिल में उतर गया। कल तक तो जिसे देखना भी गवारा न था, पल ही भर में वो मुझे इस घर में तन्हा कर गया। आई लव यू यादव। प्रणाम भैया। अरे बेटा कितना दुबरा गल हुआ बचवा। खुश रहा बबुआ।
अरे खुश रहा वहाँ खाए हुए के नहीं मिलत रहा का रे? अरे खाए के मिलत रहा माई, हमार मन वहाँ ना लगत रहा। अब थाना मिल गई बा ना, अब अपने आप हम ठीक हो गए। अरे जेवर जी थाना मिल गई बा, बहुत खुशी के बात बा। बाकी अब जल्दी घर में एगो देवरानी चाहिए। हाँ अच्छा, अरे काम को कितना थक गेल बाड़ू का कि देवरानी खातिर इतना उकताइल बाड़ू। अरे बड़का भैया भाभी ठीक है कहा तारी, अब तो घर में छोटकी भौजी के आवे के चाहिए। अच्छा चाय पानी मत पूछिए, आज ब्याह करा दलो। अरे लिया वाला का कुछ खाए पिए के दा। हाँ माई पकड़ दो माई दे। अरे आजा 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 आजा। अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया मोबाइल बा, हमरा के चाहिए। तोरा के ऐसे लिया दे मोबाइल ना, हमरा के ये मोबाइल चाहिए। अरे ये क्यों दे ले बा हमके गिफ्ट, हम तो के नहीं दे सकत माई। बोला ना आ दे ना था बचवा, तू दूसर ले लिया अब फिर ऐसन के खास दे ले बा। अरे कैसे तोहनी लोग के बताई हम माई। नफरत थी जिसकी अक्स से वो रूह बन गया, नजरों के रास्ते वो दिल में उतर गया। कल तक तो जिसे देखना भी गवारा न था, पल ही भर में वो मुझे इस घर में तन्हा कर गया। आई लव यू यादव। माई चाय तैयार बा। गई। किस्मत के हो गइल खेला गजब, मैडम जी करेली हमरा से लव। अरे किस्मत के हो गइल खेला गजब, मैडम जी करेली हमरा से लव। हे अबुदाना अपन देहब पूरा आसमान हो हाथ में, हमरा जान आ गइल। छाती जैसे खुलता लागता करे जा जाई कूद हो। अरे नहिया लगा भनी त मूल धन पैनी पागैनी प्यार वाला सूद हो। के देहिया धरती ऊपर मनवा भरे उड़ान हो हाथ में, हमरा जान आ गई। बहुत जोगा के आचना बे देह प्यार में, अरे सच बात बाटे भगवान जब देवे ले सब कुछ देले छपर फाड़ के। अब ले रहल जिंदगियां हमरो सुन सहन हो हाथ में, हमरा जान आ गई। मैडम जी हमके भरोसा नहीं के हो,
हम कैसे आपके बताई हमके कितना खुशी हो रहा बा। सपना है या हकीकत कैसे यकीन करूं। दिल में बची है खलबली किसको मैं करूं। हसरत थी दिल में खूबसूरत महबूबा मिले मुझसे करे प्यार उससे मेरी जरूरत हो। अब मिल गई हैं आप तो बस इतना कहूंगा कि इस प्यार को इज्जत मिले कुछ ऐसा करूंगा। आई लव यू मैडम जी आई लव यू। का भैया भाभी के वीडियो भेजला कि ना। अरे देखना जैते ने के इला इतना बड़ वीडियो 2G में जाए एकरा लिए तो 4G नु करवावा के पड़ी। अच्छा भैया तो 4G करवा के भेज दे। हाँ ला एकर नजर ना हमारे ही खाना पर रहले घरे में नहीं खाएगी तो के कदही है ए माई हम हूँ एजे बानी रे। अच्छा एक लड़का के बाप भैला चुपचाप खाईबा माईया क्या से खाई है अभी हो काका। अच्छा माई हाँ बेटा लड़का से याद आये उनवा 1.5 साल के हो गई न चलत बा न बैठत बा ओके बढ़िया डॉक्टर से दिखा दे जा ओके ले चलो लोग हमरे साथ। अरे बेटा ले चलल जाई पहले अभी तो हर पहली पोस्टिंग है खूब बढ़िया से वहाँ बर व्यवस्था जमा ला फिर चलल जी पीछे से। अरे माई वहाँ बहुत बढ़िया घर ले ले। अच्छा हाँ कोनो दिक्कत ना हो खाली तू लोग लेके चला ओके दिखावे के तो बढ़ ले बा लेकिन सोचता नहीं। अरे चुप रहा भैया हर बात में तू ना ही नुकुर काहे करेला ओके लेके चले के बाप बस भौजी तैयारी करा। वालेकुम सलाम मियां क्या खस्ता हालत बना रखी है आपने इस इमाम बारगाह की। पुरखों की यह मलकियत अब आपसे संभाली नहीं जा रही है बेहतर यही होगा कि आप इसे हमारे हवाले कर दें यह हमारी दिली ख्वाहिश है और इस इमाम बारगाह के एवज में हम आपको वजबुल अदा हदिया पेश करना चाहते हैं ताकि हमारे लिए जायज हो सके। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा यह मुख्तसर सा नजराना कबूल करें। आपके जज्बात की कद्र है मुझे पर अफसोस मैं इमाम बरगाह आपको फरोख्त नहीं कर सकता। पहले नजराने की रकम तो सुननी होती जनाब 5 करोड़ की रकम कोई कम नहीं होती और आगे आपकी आशानी के बाद तो इस शहर में जिस भी मकान पे आपकी नजर ठहर जाए वो आपका। आपने हमारे लिए जो सोचा उसके लिए शुक्रिया लेकिन मैं फिर से अपने वही लफ्ज दोहराऊंगा मुझे आपका नजराना कबूल नहीं। या अल्लाह हम तो आए थे तेरे दीन की खिदमत के लिए मगर ये इसे मंजूर नहीं। मियां साहब इस इमाम बारगाह से आपकी मिल्कियत तो जाने ही वाली है अब आपको फैसला ये करना है कि 5 करोड़ चाहिए या 5 गोलियां। आप जुल्मों सितम से ये पाक दरगाह हासिल नहीं कर सकते। आप हमें मजबूर कर रहे हैं मियां। तो ठीक है जो आप मुनासिब समझे। Oh!
5 करोड़ इनके जनाजे पे खर्च कर देना, ताकि देखने वालों को पता चले किसी रईस से पाला पड़ा था। यहां साइन करो। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें नई पोस्टिंग की। थैंक यू सर। सच्चाई और ईमानदारी से काम करना। जी सर। जाओ चेक पोस्ट संभालो। जी। गाड़ी रोक। काशी भाई जी, का बात है? गाड़ी काहे रुकला है? चेक पोस्ट पे गाड़ी काहे रुकेला? चेक करावा गाड़ी। हमार गाड़ी चेक हुई? हाँ, दिखावा। का गाड़ी? जानवर जबा करे बदे जाता, तोरा का मतलब बा? कागज दिखावा। हमनी के काम बिना कागज पत्र के होला। अच्छा, ए, ले जा चलान कटवाओ। चलान? बहुत डेंजर आदमी है। अबे डरात काहे बा? ले जो चलान कटवा, हम 4G रिचार्ज करवा के आवतन। चला। देखा तही के हमार चलान करवावेला। अली भाई। अरे भाई, भाई यहाँ यहाँ कैसे? तोहार दुन्नू सिपाही हमार गाड़ी के चलान काटे खाती बोल ले बा। भाई उ नया ज्वाइनिंग है, आज ड्यूटी ज्वाइन कर ले बा। हम समझा दे मोकरा के, रहुआ चिंता मत करी। ना ना, अब तक तोहरा चलान काटे ही के पड़ी। नायल बड़े का तो हिम्मत कैसे भइल हमार गाड़ी पकड़े के? गलती हो गई। चल चल माफी मांग। सॉरी। पैर पकड़ के माफी मांग। ए, सोच मत, पैर पकड़ के माफी मांग। समझ में निकला? माफी मांग। साहब की वर्दी छोड़। या तो चल। एकर वर्दी छोड़ दे ली। अरे तोर वर्दी पकड़ ले ली। अरे नया ज्वाइनिंग बाव कर। बोल का कर बे। वर्दी छोड़ के बात कर। ए, ना छोड़ब तक का उखाड़ लगे। दिखवे वर्दी की पावर। चल दिखाओ दिखाओ। सिपाही रे यादव, पागल हो गए तुम? क्या कर रहे हो तुम? ड्यूटी कर रहा हूँ सर, ड्यूटी। मैं तुम्हें पता नहीं लोग कौन है? कोई भी हो। अरे नौकरी को हाथ नहीं लगाएगा कोई। अरे नौकरी जाएगी तुम्हारी। हर हौसला बुलंद हो, मरल जियल पसंद हो, तूफान खाती वर्दी में बाबू मन के बल खून में आ जाए जो खून में ऐसा तूफान खून में आ जाए जो खून में तो दुश्मनों की कर ले तबाही। सिपाही रे
या तो समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? छोड़ दे इसे। एक मिनट सर। माफी मांग, माफी मांग। आई एम सॉरी। माफी मांग। सॉरी। ये वर्दी हमारा स्वाभिमान है, हमारे स्वाभिमान पे दोबारा हाथ लगाने की जरूरत किया तो अब की बार तो सिर्फ मुताया है, अगली बार मारते मारते हगा देंगे। चल सिपाही ले। यादव क्यों कर रहे हो तुम ये सब? वो तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे तुम्हें वो। सिपाही ले। ओवरसेट, नया नया रंग रूट रहे, ट्रांसफर होके आयल रहे नया नया, तोहरे बारे में जानत ना रहे, छोड़ देना चाहे दी। चुप, एकदम चुप। एक लफ्ता इस भी, एक भी लफ्ता का निकलल तो हर लास्ट पे गोली चल जाए। खून सवार वो हमरा कोपड़ी पर, खुदा कसम, खुदा कसम, अगर हमरे बीच में शासन प्रशासन आयल तब पूरे प्रदेश में आग लग जाए। ओ जवन वर्दी पहन के वदना सा सिपाही हमरे भाई के देह पे जवन जख्म देले बा, ओकर एक एक बूंद खून निकाल के ओही के वर्दी पे हाथ पोछब। करे का जरूरत रहल हो राक्षसन से दुश्मनी मोल लेवे के? अरे जेकरा सामने जानवर तक का रूका पहला, ओकरे सामने तोर कौन औकात रे? अरे माई तू कैसन बात करता, ये वर्दी हम काहे खातिर पहनले बानी? गुंडा बदमाश के रोकही खातिर ना? पगला हो गइल बाड़ा तू। अरे जुग जमाना बदल गइल बा, हैं? गुंडन का राज चलता। अरे तो गुंडन के राज ना चले यही खातिर वर्दी पहनले बानी? वाह बेटा, भले तोर परिवार मुसीबत में फंस जा, हैं? हमरे परिवार की क्यों आंख दिखाई, हमरे परिवार के तरफ क्यों आंख उठा के देखी, ओकर आंख निकाल ले। अच्छा केकर केकर आंख निकल बे, केकर केकर आंख निकल बे रहता है? सारे लोगों के साथ जाके खड़ा हो जाइए, तोरा संगे केहू ना आई। अच्छा खासा ड्यूटी करत रहले एसपी के, पुक्को के तरह जो नहीं आई ना यमराज के मुहे में। अरे माई तू काहे ने खुश समझा? चुप, तोर मतारी है, हमरा के मत समझा। अरे समझा ना, पहले एसपी साहब के फोन लगावा, हमरा पक्का विश्वास बा कि पुलिस वाला के मदद जरूर करी। हाँ, फोन लगा। अरे लगाओ ना फोन एसपी के। जय हिंद सर। जय हिंद यादव, कहाँ बाड़ा तू? सर हम अपने घर पे बानी सर। सर ये सब कहा होता सर? यहाँ घर के लोग हमके डांटा था, वहाँ पुलिस वाला लोग हमके थाना से भागे कहा था, हमरा सामने क्यों हमरे ऑफिसर पे हाथ उठाई और हम देखी? यादव पुलिस डिपार्टमेंट के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त ना कर, जल्दी आ जाता। का कलना? अपने घरे बुला उतारे। अरे तो जाना जान बेटा। अरे जोन, अरे जय भगवान जी। अब इस पिसाब के यहाँ गए ना, कुल ठीक हो जाए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेरी कोई गलती नहीं है सर, मेरे सामने वो मेरे ऑफिसर पे हाथ उठा रहा था इसलिए मैंने उसको मारा सर, और फिर मेरे विभाग वाले मेरा साथ देने के बजाय मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं सर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। यादव तुमने जो किया है ना तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, उसके बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब समझ जाओगे, बस दो मिनट वेट करो। तू लोग तो भरोसा कर हमरे ऊपर? यादव हमने के वही ड्यूटी पे बानी जा। साहब के आदेश से बढ़के कुछ नहीं की। हाथ ऊपर। यादव
तोहार खेल खत्म। सर सर समझाई ना ये लोग के। ले जाओ इसे। सर सर हमार बात सुनी सर, हम कोनो गलती नहीं की गए सर। अरे आप पुलिस वाला हो के वो पुलिस वाला के साथ नहीं की दे। सर आपको अपने सिपाही पे भरोसा नहीं सर। सर आप गुंडों का साथ दे रहे हैं सर। सर गलत कर रहे हैं आप। भैया वो यादव था ना अमरपाली, अब वो इनोसेंट कांस्टेबल यादव नहीं रहा, वो देशद्रोही टेररिस्टों से मिला हुआ है। पता नहीं भैया को क्या हो गया, जब तक यहाँ पे यादव रह के दिन रात जी हुजूरी करा था तब तक बहुत सीधा आदमी था, और जैसे बाहर जाकर अपना काम करने लगा आतंकवादी बन गया। अब मिल गई हैं आप तो बस इतना कहूंगा कि इस प्यार को इज्जत मिले, कुछ ऐसा करूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। के
ही दूधी या गोराई। बहुत गर्मी बना तोरे खून में है? कुल गर्मी आज मूत बन के निकली। बब्बर सेठ, ये वो सिपाही के शरीर है, कितनो मरबे खाली खून निकली, मुतेला तोरे जैसन मौगा वह चार लाठी में। अरे मारे के, मारे के, तब तक मारे जब तक मूत न दे। मार, 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 मुतबे थे, जरूर मुतबे। मूत बब्बर सेठ, हमार मूत निकाले में तोरा सात पोस्ट के मूत मारी आ जाए। सिपाही से चले तास तोर खेलवे खत्म कर देता। नहीं ना 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 बब्बर सेठ, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट फंस जाई और साथ में तू लोग भी फंस जीबा। अब पार्टी का छवि खराब हुई तो न अलग। धोनी के हमेशा 2400 घंटा पार्टी है, पार्टी का डर लगल बा। अरे बब्बर से तू टेंशन मत ले, एकरा पर तो देशद्रोह का ऐसा इल्जाम लगवाई ना कि सारा जिंदगी जेल में चक्की पीसी। तब एकरा के पता चली कि बब्बर सेठ से ना बब्बर शेर से टक्कर ले ले बा। बाकी सब लोहा सिख सवाल नहीं है। सिपाही बना देशद्रोही। दिनेश यादव नाम का एक सिपाही जिसकी हरकतों पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा है। दरअसल कल हथियारों से भरा एक ट्रक पुलिस के हाथों लग गया। पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि यादव पुलिस में भर्ती ही इसलिए हुआ था कि अपने देशद्रोही साथियों की मदद कर सके। भैया ये सब क्या हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है? सब मिलकर यादव को फंसा रहे हैं, ये सब झूठ है, यादव ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मिनट तो और गाय का मतलब ये जॉन कुछ हो रहा नाटक है? हाँ भैया ये सब बिल्कुल नाटक ही है, यहाँ हम में से कौन नहीं जानता कि बब्बर कैसा आदमी है। सब मिलकर उसे फंसा रहे हैं भैया, भैया प्लीज कुछ कीजिए। अमरपाली अभी तो इतना बड़ा भाई लो कि अपने बड़े भाई के काम में दखल दा, और इस सब तो हर काम नहीं थे कि का सही और का गलत, जाके अपन काम करा जाए जैसे। गलत तो गलत ही है भैया, एक सीधे साधे आदमी को आप लोग ने आतंकवादी बना दिया। अमरपाली यादव, शेर के पिछवाड़े उंगली करे चल रहे, वो भी बब्बर शेर के, अब देशद्रोह के जुर्म में सड़बे जेल के अंदर। बिना सोचे समझे आग में कूदने का नतीजा देख लिए, जोश में होश खोना बुद्धिमानी नहीं है, अब सड़ो। सर इसके चक्कर में हमारी वर्दी भी जाती, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। हम तैयार हैं सर इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए। द्वार प्रमोशन पक्का देव, कल 12 बजे कोर्ट में पेश होते ही तो हर जिंदगी का 12 बज जाए यादव। यादव गलत नहीं है, क्या गलत किया? हाँ गलत आदमी को पकड़ा और हमारे एसपी ने उसको फंसा दिया, देशद्रोह में छट्टा कहेगा। यादव कटेगा सबको, कटेगा सबको। आप दारू पीकर एसपी को गाली क्यों दे रहे हैं? ना छट्टा है, हाँ पैसा घुसखोरी लेके एसपी बन गया, हम लोगों कहते चोरी करो, नल्ला पागल छोटा। तो क्या आप अपने दरोगा साहब से भी नहीं डरते? हमारा दरोगा साहब देखो वहाँ बैठा है, लगा तो चढ़ दुर्गा प्रसाद शुक्ल साहब हमारा साथ है। दरोगा साहब बोले करो, समझो कर रहे हो सही कर रहे हो, हाँ हम कर रहे हैं, हाँ हमको डर नहीं है, सब सही कर रहा है, जो यादव कर रहा है सही कर रहा है एकदम। आपको सस्पेंड कर देंगे तो कर दे, घंटे से कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? मैं डरता हूँ क्या? वर्दी चली जाए चली जाए, प्रधान का चुनाव लड़ूंगा, पीडीसी बन जाऊंगा, हाँ ईमानदारी से काम करूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। जाओ दिया मसाला तुम लोगों को टीवी में दिखाओ, अखबार में छापो, एसपी छट्टा।
एक नंबर का छट्टा। जाओ तुम लोगों को मसाला दिया दिखाओ टीवी में। रात रात आओ यादव, अबे तक अकड़ गई ना तोर। हाँ बोले रहनी, ईमानदारी के चक्कर में मत पड़। हवलदार बनाओ सुरती जरा। आ यादव को भी खिलाओ। हाँ जल्दी कर भैया, का मसल रहा है बे। बराबर मसल, जैसे सुरती मसल रहा है ना, इसको भी मसलना है अभी। समझ गया। अच्छी चुप। ची। अरे अच्छी अच्छी। लाओ भैया। चल गाड़ी चला, चल। हेलो सर, यादव फरार हो गया। फरार हो गया? क्या बकवास है लोहा सिंह? सही कह रहे हैं सर, देव सिंह ने गद्दारी की है। सर जाते जाते वो सरकारी असला भी लूट ले गए। एक मुजरिम पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और तुम क्या कर रहे थे? चप्पे चप्पे पे नजर रखो, किसी भी कीमत पर यादव की गिरफ्तारी चाहिए। चल फोन रखो। जा रे। अरे दिकार बात तोनी के जिंदगी पर। एको पता नहीं सा सिपाही तोरा पूरा पुलिस फोर्स के धोखा देके चल गई और तोनी के हाथ पे हाथ रख के बचल पड़ा सौन। सबर से बात सुनो मार। पहले हमरे सबर का इम्तिहान मत ले एसपी नाता। आदमी हम जानवर नियर काटी ले। जितना जल्दी हो सके ओके पकड़ पकड़ ओके। अरे खुलवा तो बहुत जरूरी है प्लीज। क्या बात हो? अरे साहब बहुत जरूरी है, तनी एसपी साहब से मिलवा दा। बोल दे ली ना, एसपी साहब नहीं क्या मिली हन तारा सस्पेंड। अरे सस्पेंड तो कहले हम, लेकिन एक बार मिलल बहुत जरूरी है प्लीज। ना ना जा भैया, तू जा। ए साहब ए चला जा। ए मिठाई भैया तनी कुछ करवा दो। ना ना कुछ ना होई। जय भगवान। आवा 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 तो है लोगों ने कमी और रहा ला। बतासा जी सुनने में आया कि एसपी साहब आपको सस्पेंड कर दिए। ना ना हमारा आरती उतारत रहा ना, सस्पेंड ना करिए तो का परमोशन कर दिए। हे महाराज साहब हम रोनिया कि तोहन लोग रहा ला, जितना बोल ले रहनी कुल तो खाते ला टीवी में। आप तो बोल रहे थे मैं किसी से डरता ही नहीं हूं। हे भगवान, तो जब शराब या पी ले ले तो ना डराइला, आज शराब उतर जाला तो डराइला गिला। बहुत बेकार आदमी हवा। अब मजोले था हमार ब्याह शादी उम्र में भाई ना हो, कहाँ जा भैया। भाग जाप भाग जाना तो कमरा सबरा फोड़ दे। भाग जा कहा था, भाग जाप भाग हट। हे भगवान का करी दादा। जिन जाई कोई लनिया नौकरिया पिया छोड़ दे। ए सेठ का रे बिरवा खाली गई बा कि स्वीटी से हमारे ब्याह के बारे में कुछ सोच बा। मारा ससुर ब्याह करबा मारा पलटा से मुंह लाल हो जाई। अब्बे ब्याह कर यानी चल गिलास धर सारे चाय पिया। चलन ब्याह करे आ गई ना, भविष्य का दरोगा। कौन दरोगी दरोगा आयल हरे? अरे एसपी के दारू पी के गरिया देले बा और सस्पेंड हो गई बा। अभी केतनो कुछ मांगी दी है मत। अरे सरवा पहलू को 2500 बाकी लगेले बा दिबे ना केलेस बे। दी है मत कुछ। सेठ जय हिंद। अपन जय हिंद अपने लगे रख निकल नहीं यहां से तो। बड़ा गुस्सा में लगता रहा। गुस्सा में ना हो, तने जलेबी खिया देता, बहुत भूख लागल हो। जलेबी? हां जलेबी खेब। हाँ। 2500 पहले के बाकी बात देवे ना किला आलू जलेबा खाए। अरे तारा जो तनखा मिले वाली है दे दे।
अरे अपन तनखा लेके ओहरे रहा मने सस्पेंड हो गई थना दे खाए के तबले बुढ़ा घोड़ा के घास से ना दी अरे तो डकैत ना है दे दे हमारे साथी होते पूछ अरे हम साथी होते कुछ नहीं की अरे एकदम फर्जी आदमी बा पलट गई दारू पियावत रहनी हो ना ना देखो तो तू लोग के ईमानदारी बहुत भूख लगल हो अरे निकल ले जा पूरे वक्त में साथ साथ छोड़ देला तू हूँ देला छोड़ ए पता कहीं और चल जाए निकल ले भाग हट भाग सारे निकला ना सहली फर्जी आदमी बा हम हैं स्वीटी और हमरा के अपन दिलबर के इंतजार बा ए सिपाही जी हम अच्छा घर से आई यो और से कहाँ है बोला उलू हो बैठा ना हम तो तुहरे जैसन जवान गबरू मरद ढूंढत रहनी का इंटरव्यू देला हा एसपी के तो पूरा फाड़ देला अरे का फाड़ देली हो दारू के नशा में कुछ गरिया देनी है दारू तू दारू भी पियेला आई तो के दारू पसंद हो का अरे मायू हो अच्छा तब बतावा कि अब का करे कहो का करे के हा हम ना तोपे फिदा हो गेल हई आई और ना हमरा के तोह से मोहब्बत हो गेल बा आई हो भूखे पेट मोहब्बत होला का सूखे संड घूमता नहीं खाए के हई ना चले भी तक गुप्तवा ना देले सो अच्छा हां बिना पैसा रुपया के मोहब्बत ना होला बस इतनी सी बात हां मिल जाई क्या दे अरे भाई हो इतना पैसा या अच्छा सुनो हाँ सबसे पहले अपन ये हुलिया चेंज कर अच्छा और आज से तार एक ही काम बा का हमके प्यार करके प्यार पहले कपड़ा खरीदम फिर बनीवा को पैसा दे फिर जलेबी खाओ ठीक बा अच्छा ठीक बा ओके बाय बाय अरे प्यार के करी अच्छा I love you मैडम जी I love you यादव तुम यहाँ चिंता मत करी मैडम जी हम यहाँ आपके कोनो नुकसान पहुंचावे नहीं खेल बस ये जाने खातिर आयल बानी कि आज पूरा दुनिया हमके देशद्रोही साबित करे पे लागल बा का रउआ भी हमके देशद्रोही समझता नहीं बिल्कुल नहीं यादव तुम पहले भी मेरे लिए हीरो थे हो और जीवन भर रहोगे थैंक यू मैडम जी यादव मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था हाँ मैडम जी हम वो जवाब देवे की कोशिश कर ले रहे लेकिन उकरा पहले ही सब महाभारत हो गई पर मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया
चाहे रानी भरत थारिया लेके सूत रहा हमारा के कोरा जी कहीं हो जाए भीन सारिया सैया छोड़ दा सैया छोड़ दा ई खटिया तू दूर दे बका कहिया ये करा तू मैं राजा थूर दे बका काल लाल पहला काट के लोहा सिंह मैं बोल रहा हूँ। जैन सर। जैन। लोहा सिंह यादव जितना खतरनाक पब्बर सेठ के लिए है उतना ही हमारे लिए भी है। राइट सर। इस बार छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं कितना भागता है। हाँ पर एक बात का ख्याल रखना कि यादव तुम? सर। यादव आपके घर पे? हाँ। सर मैं अभी फोर्स लेके आ रहा हूँ। ओके। डरी मत। हम के पतावा। हमरे वर्दी के दागदार बनाव में बब्बर के साथ आपके हाथ है लेकिन हम आपके माफ कर देने वो एक खातिर ना कि आप हमार सर हैं एक खातिर काहे कि आप हमार होखे वाला सार हैं। क्या बकवास है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग एकदम सही है। यही से आपसे विनती करत हैं लड़ाई में आप हमारे साथ हो जाए और दुनिया के बता दी कि हम एगो भगोड़ा ना ईमानदार और मर्द सिपाही हैं। तुम्हें क्या लगता है यादव तुम एक बार भाग के आ गए क्रांतिकारी हो गए? फोर्स आ रही है बच नहीं पाओगे। जब तक बब्बर और तोहरा जैसन लोग की असलियत जनता के सामने ना ले आई तब तक हमके पकड़ल तो दूर छू भी ना पाएगा। नजर घुमा के देख लो यादव तुम गिर चुके हो अभी मन्यू की तरह सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। जब तक हमार मिशन पूरा ना हो हमके मारे में यमराज के भी पसीना छूट जाए। एक बात और ये कलयुग है और कलयुग के अभिमन्यु के ही पता है कि चक्र भी वो कैसे तोड़ल जाला। ये क्या बेवकूफी है पागल हो गए तुम लोग मारे जाओगे तुम लोग भी इसकी तरह। सर हम रउआ से कम पढ़ा लिखल जरूर बानी पर ईमानदारी और बेईमानी में फर्क मालूम बा हमरा के। हम सब यादव के साथ बानी। ए सब के हुआ बनकन फेंक दा ना तो साहब का खोपड़िया खोल दे भेजे। रॉन्ग बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ तुम लोगों को सब के सब मारे जाओगे। सिपाही रे सिपाही रे सिपाही रे गाड़ी तक छोड़े ना चलवा एसपी साहब। हमके एगो बात नहीं समझ में आउत
मतलब पुलिस फोर्स इतना निकम्मा हो गई बा कि एगो सिंगल पसली के आदमी पूरा पुलिस फोर्स के चकमा देके निकल गई और पुलिस वाला हाथ पे हाथ धर के बैठे लगे सर। ओवर सेट बात ये कि हमरे सिपाही ओकरे फेवर में बंदूक लेके खड़ा हो गई ना हमरे खिलाफ, अब समझ में नहीं क्या अचानक धोखा हो गई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट कहीं तू लोग बिरादरी बिरादरी तो नहीं खेला था। अरे ए, ना, 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 ना। अगर तू लोगों से नहीं खेन हो तो हमसे बता दे, हम अपने आदमी के काम पे लगा दे। और अगर हमारे आदमी काम पे लग जाए नू तो शहर में हुई कतलेआम और शहर के लॉ एंड ऑर्डर लग जाए दखिन। बब्बर सेठ हमारे बात सुना, ऐसा कुछ करे के जरूरत नहीं खे, जगह जगह नाकेबंदी कर दिया गई बा, पुलिस चप्पा चप्पा पर तैनात बा, यादव बच के भाग न पाई। देखा अगर कानून व्यवस्था के कुछ हुई तो हमारे मंत्री पद पर आ जाए, हमारे पर आ जाए का मतलब आप पर आ जाए, ऐसा कुछ मत करे। एसपी साहब बताई ना, बस एक और मौका, एक और मौका थे, या तो जिंदा या मुर्दा आपके सामने हुई। ठीक बा, आखिरी मौका, आखिरी मौका गवैला लग तो करे बाद मिली सजा और बब्बर सेठ के सजा का मतलब मौत। यादव कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई गलत कदम उठाओ। यादव समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूं? माई कहाँ भाई, यहां कहाँ भाई ढली कहाँ बस भैया जी मीना हे माई कहाँ भाई बोलना कहाँ बा सब लोग का खत्म हो गई? सब खत्म हो गई। Bobby!
तेरी माँ। का भाईजान ई का करत हुआ? तोरा के तो दोजक में भी जगह ना मिली, एकरा के कुमारे मार देवा। मर मत। तो के पता बा, तू दुनिया का पहला सिनाओक बे जे मरत मरत भी जवानी का मजा चख के मरबे। पूरा परिवार कलास दिखे खातिर हम 9 महीना कोख में ना पले रही बेटा। अब जिया देगो सिपाही नियन और मुरिया देगो सिपाही नियन। वो पापियन में से एक भी पापी जिंदा बची तेरे मतारी की आत्मा के शांति ना मिली। क्यों ना बची भाई, क्यों ना बची भाई। लड़ाई में और मौत भी हो जाए तो मतारी के तन खुद तकलीफ ना हो। छोड़ छोड़ हम मत ना छोड़ ना छोड़ माई ना छोड़ क्यों गए छोड़ माई ना छोड़ माई ना छोड़ माई सब छोड़ के चल गए, तू छोड़ के बच जा भाई, तू छोड़ के बच जा भाई, बच जा भाई। वर्दी के फर्ज निभावे खातिर हमार पूरा परिवार के आहुति चढ़ गई। अब अंजाम चाहे जौन भी होके वर्दी पहनत समय जौन शपथ ले ले रही, अपने वर्दी और कानून की रक्षा के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। अपने शपथ के आखिरी सांस तक निभाई। आहुति सिर्फ तोहरे परिवार के ना, आहुति पूरे सिपाही समाज के परिवार के रहे। जब पुलिस ही पुलिस के दुश्मन हो गई तो गुंडन और बदमाशन के कौन दोस्त दिहल जाए। शासन और प्रशासन मिलके हमनी के खत्म कर दे, हमनी का कर पाई मर्दे। तहरा ऊपर भी देशद्रोह के कलंक लगा दे ले बा सरवा। वही कलंक के मिटावे खातिर लड़े के बा, वो कलंक के मिटावे खातिर ई मिशन के पूरा करे के पड़ी। और ए मिशन के टारगेट बा बब्बर के असलियत समाज के सामने लियावल और वर्दी के बेगुनाही। बिल्कुल,
इस लड़ाई में हम लोग तुम्हारे साथ हैं। पर साथ देवे से पहले एक बार और सोच ले लो, काहे कि हमनी जवन रास्ता पे निकलल बानी जा, जान कभी भी जा सकेले। जान तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन अली ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। वर्दी के सम्मान खातिर मरल जरूरी बा। हम हूं मरे खातिर तैयार बानी। जान जाए तो जाए। बिल्कुल, लेकिन यादव हमारे एक सिपाही लोहा के हाथ लग गया है। तब मिशन के पहला टारगेट हुई लोहा से। हमके पता तो यादव के बारे में जाने ले ना साहब, हमके कुछ पता नहीं। बोल ससुराऊ कहाँ मिली ना साहब, हमके ना मालूम। बता दे ना तो तोरा के ना साहब, हमके कुछ मार पता मार ना। के तोर चटनी बना दे ना साहब, हमके कुछ पता ना। नहीं के पता तोरा के ना साहब, हमके कुछ पता ना। हम सच कहते नहीं साहब, हमके कुछ पता ना। बहुत मार थी मेरे ना साहब, ना साहब, हमके कुछ पता ना। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह का देखत बाड़े, जोर जाके दारू ले आओ। जी सर। यादव सर, तुमके कुछ ना पता सर। यादव, यादव जी सर, सर सर ऐसे रहे। ससुरा दारू हम पीले बानी और नशा तो रहे को। सिपाही रे, ये क्या होता? तू हमरा के खोजत रे और हम तोरा के। यादव हमरा को माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई। कैसे माफ कर दी? आज एगो सच्चा सिपाही कानून तोड़े पे मजबूर हो गए, का गलती के लिए रनिया? माफ कर दे यादव। बता का कसूर रहे हमार? ईमानदारी से ड्यूटी के लिए रन, ये कसूर रहे ना? माफ कर दे यादव। हमारा परिवार के का कसूर रहे बोलना, बता। माफ करना, हमारा भाई के नाम से बोल रहा है, हमारा भौजा के नाम से बोल रहा है। अमर मासूम भतीजा के का कसूर रहे? बहन के का कसूर रहे? हमारे माई के का कसूर रहे? नया मॉडल बुझाता रे। हाँ भैया, कल रात में मंगवाई ली। हाँ हाँ ना, तो 8-10 गोरी मंगवा ले। लेकिन ठीक हो गया, ठीक ले रहा।
बब्बर सेठ, 15 अगस्त से पहले तोरा तंग खत्म करके जनता के सामने कुत्ता के मौत ना मर ली तो हमरा नाम के कुत्ता पोस ली है। तेरी मोह की हट। का बब्बर सेठ, कैसन लगल हमार तोहफा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी एक बात याद रखिए, हमार रिटर्न तोहफा तो के बहुत महंगा पड़ी। इतना जल्दी काबा? सब इकट्ठे दे दिए। बहुत जल्दी तोरा के गौर तोहफा दे। तब तक के लिए बाय। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, काली लाल बत्ती में घूमत तू लोग। और जदे हुआ तोनी के छाती पर बैठ के तांडव कर रहल बा। देखा बब्बर सेठ, आप चिंता मत करी, सब व्यवस्था जल्दी है हो जाए। ए मंत्री, नेता वाला भाषण ना, हमके रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट यादव चाहिए हमके। बची ना, पुलिस वाले के मर रहे बब्बर सेठ, कौवा कौवा का मांस ना खाला। हेलो, हाँ एसपी संजय पांडे, जितना जल्दी हो सके बब्बर सेठ के घर पे पहुंचा फोर्स के साथ। एम्बुलेंस लेके आवा, लोहा सिंह का मर्डर हो गई बा, जल्दी आ फास्ट। हेलो मिस्टर ज्ञानीलाल गुप्ता, हाउ आर यू? अरे बड़ा लाल पियर पहन के टहरत हुए भाई। उसके ऊपर मत जाओ, सबसे पहले 2500, तुम्हारे 2500 रुपए का उधार। ये बाकी वाला है? 500 ज्यादा है, उसमें से 250 तुम दोनों टिप ले लेना। जियो से। और सुनो करी, कहां से इतना पैसा पागल की पैसों दे दिला से टीपो देता? नौकरिया फिर से लग गई का? नौकरी नहीं, छोकरी मिल गई है। छोकरी? छोकरी मिल गई है। दरअसल उस दिन जब तुम लोगों ने मुझे डांट कर भगाया, मैं बहुत मायूस था। मैं रोड पकड़ कर जा रहा था। अच्छा। जैसे ही गुप्ता रोड पकड़ कर गुप्ता चौराहे पर पहुंचा, तो मैं टर्न मारा गुप्ता गली में, और गुप्ता गली में गुप्ता निवास के पास एक खूबसूरत लौंडिया ने सीटी मारी। भाई लौंडिया खूबसूरत थी, मैं ऊपर छत पर गया, वो मुझसे लिपट गई। उसने कहा, तुम्हारी खूबसूरती पर, तुम्हारी गबरू जवानी पर मैं मर रही हूँ, तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैंने भी उससे कहा, तुम फिदा हो गई हो तो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हम लोगों ने रोमांस किया, उसने हमें पैसे दिए, और उसने कहा सिर्फ आओ मुझसे रोमांस करो, तुम्हें पैसे ऐसे ही देती रहूंगी। एक मिनट बेटा, कैसे है? 300 रुपया किलो। 500 रुपया पकड़ो, 200 रुपए टिप रख लो, और मुझे 1 किलो पेड़ा दो, मुझे बजरंग बली को चढ़ाना है। अरे तो टीप दे। Don't waste time, time is money, money is time, please, जल्दी करो। अरे अंग्रेजी मत झार दे थई, ना तो लगे के उन्हीं आवे। अरे नौकर, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे के नौकर बोलता रहा। नौकर नौकर नहीं तो क्या, मालिक बोलूंगा गधे। बाल झड़ गए तुम्हारे पागल कहीं के। हाँ चलो मीठा लाओ, फट 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 फट। दरअसल क्या है कि कल 2 बजे का टाइम मैंने उस लौंडिया को दिया है। लौंडिया ने मुझे 2 बजे अपने घर पर बुलाया है, इसलिए बजरंग बली को प्रसाद चढ़ाकर मैं वहीं जाऊंगा। बाय बाय। ले निकल यहाँ से, निकल। अंग्रेजी बोलता करे कौने ही? छोकरी और लौंडिया के बात करत रहली। सुनला है का? कौन एड्रेस बतावला से? कौन एड्रेस? गुप्ता चौराहा, गुप्ता रोड, गुप्ता गली, गुप्ता निवास। अरे तुम्हारे भदेली में चाटता। अरे सर वो है बतासुआ। हाँ टाइम कितना बतैला सकाल? 2 बजे। 2 बजे? हाँ। कल 2 बजे सारे के रगड़ल जाए जरूर। अरे बतासुआ कोर देव तो के। का स्वीट हॉट? का भेल स्वीटी के इतना स्वीट से ओट छोड़ के कहाँ लागल बड़ा? एक करे जा, तेरे बदन में जहाँ भी छुला लागल रसगुल्ला टपक थो। साजी। आई तो हर करे जा, धलका ता इतनी तेज का है। आई लगता कि राहु के तू आ गए। राहु के तू? भैया। भैया कहाँ जा गले तो? हाँ अब कहाँ होगी? अब हम घर के कहाँ छुपाई? दरवाजा खोले में इतना टाइम? भैया के रहल? केहू ना भैया। नहीं कोनो मरद के आवाज आवत रहल? मरद? वो तो हम गाना गावत रही।
गाना गावत रहलू मरद के आवाज में गाना गावत रहलू है। भैया तू हम पे अपन स्वीटी पे शक कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तो जा ढूंढ ला के मरद का। का भैया होगल सब शक दूर। कुछ ना बहिन करे तू हमार बहिन पे शक करत हुए गलत गलत इल्जाम लगावत हुए। मेरे प्यारे सिपाही दोस्तों मेरे साथ जो भी हुआ आप सब उससे अनजान नहीं है। मैं देशद्रोही हूं या सच्चा सिपाही हूं सच्चाई आप सब जानते हैं। हाँ ये बात अलग है कि कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा पर एक बात ध्यान रखिएगा जो आज मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। माँ बहन भाभी पूरे परिवार के लाश की कल्पना कर सकते हैं कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। मैं आप सब से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आत्मा से एक बार जरूर पूछिएगा किस धर्म और अधर्म की लड़ाई में आप किसके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि मैं देशद्रोही हूँ तो मेरा साथ मत दीजिए लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं एक सच्चा सिपाही हूँ तो अपने आत्मा की आवाज जरूर सुनिएगा। जय हिंद। सही कहा था यादव। अब भैया हमनी के डिपार्टमेंट देत का बा हमनी के स्थिति सबसे गैल गुजरल बा अखादी के सामने तक खाकी एकदम अपाहिज हो गइल बा। कहो हमनी के यही दिन खातिर वर्दी पहन ले रहनी जा कि अपना अफसर के कुत्ता के खाना खियावल जाए और मंत्री जी के लड़का के स्कूले छोड़े जाए जाओ। पिताजी हमरा स्कूल में सब लड़का हमके सिपाही के लड़का कहके चिढ़ावे ले तुहू यादव अंकल जैसन कोनो काम करा ताकि हमहू फक्र से कह सकी कि हमार पिताजी सिपाही हवे। हे रउवाली हमरा बेमानी के जेवर ना चाही। का हो का सोचा तड़ा सोचे के का बा यादव के साथ देवे के बा। का हो सिपाही जी यादव के वीडियो तो वायरल हो गई बा रउवा केकर साथ बानी। वैसे दिल से तो यादव के साथ बानी लेकिन नौकरी से मजबूर बानी। रोवा जाए जाए यादव जी के साथ दी। जाए यादव जी जैसन इज्जत कमाई। शूटिंग कर चल अल्लाहन ले गल ना वीडियो। अरे बिना सोचे समझे काम करे का कौन जरूरत रहे हो गल ना मुरादपुरी। अरे ऐसे तो हम परेशान हो गल बानी एक कदम में नहीं काम करते कुल खून के गर्मी कपार पे चढ़ गिल भाई करे मन करता निकाल के चप्पल मारी चाहे चप्पल भाई। अब भैया का करी हमारा का पता रही यादव चुप। अब का करे के बा बताओ लोग जेल जाए के पड़ी हैं दोनों जने के जेल जाए के पड़ी और का। ए सुना दहिया के चमड़ावा निकलवा के भूसा भरवा दे भाई। हां भूसा भरवा दे जानवर काटत रहले ना आदमी कटबा। अब इतना मुश्किल से तुहार इमेज समाज में बनई ले है जेल न जेबे तो का करबा है। देख एक बात बता दे हम लोगन के सत्ता बा हम लोग है तब पे तू बचल हुआ हम लोग गईली ना तो चल जी बा समझाई समझाई आप। मंत्री जी सही कहता रहे जनता भड़क चुकल बा ध्यान भटकावे खातिर जेल जाए जरूरी है। जब मामला शांत हो जाए रउवा लोग बाहर आ जाए हम संभाल ले रउवा लोग जाए। आओ यदि हुआ हीरो बन के घूमे तातावन। अरे हीरो के जीरो बनाओ में तो हमारे पीएसडी बा एसटीएफ का गठन हो रहा बा एनकाउंटर में इतना छितरा हो ही ना होकर कि पतो न चली कहाँ चल गई। अरे वो लोग जाएं जेल चल जाएं जेल चल जाएं इस सुविधा छोड़ के जेल चल जाएं। अरे महाराज ये हवेली राउर घर है तो जेल समझ ली ससुराल बा और राउर वहाँ सुरक्षा और सुख सुविधा खातिर आपन आदमी जेलर बा ना टेंशन मत ली चल जाएं। ठीक बा जेल हम चल जाए लेकिन ज्यादा दिन ना रुकब अगला जुम्मा के हमरा अम्मी के बरसी है फातिहा तो हमके मजारे भी पढ़ा इससे पहले वो यादव खत्म होके चाहिए। मेरी बात मान जाओ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। बब्बर और अली दोनों को जेल हो चुकी है अब तो तुम लोग सरेंडर कर दो। मैंने भैया को फोन पर बात करते हुए सुना एसटीएफ और कमांडो वाले आ रहे हैं अगर तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो सब मारे जाओगे। एसटीएफ और कमांडो भी एक सिपाही होते हैं
और जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करूंगा कोई मुझे रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे? नहीं, मीडिया, शासन, प्रशासन सब उनके लोग हैं और हमें सरेंडर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। भून देंगे वो लोग हमें। चिंता मत करो, मिशन पूरा करने से पहले मरूंगा नहीं। जोन वीडियो के लिए कितना बवाल मचेले बड़ा लोगन, यादव कोनो युधिष्ठिर ना बनन कि जोन कहियन सच कहियन। बाबर सेठ के और उनके लड़का के जेल भेज दियल गइल बा और वीडियो के जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दियल गइल बा। हां बताएं, बताएं आप एसपी साहब। देखिए, हमने यादव को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया लेकिन वो हमेशा भागता रहा। अब एसटीएफ का गठन हो गया है और यादव को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर पास हो चुका है। रही बात उस वीडियो की, तो नेताजी एक ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं और मैं एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर। अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि उस भगोड़े मुजरिम की बात मानते हैं या हम जैसे जिम्मेदार लोग। एक्सक्यूज मी, चलिए चलिए। अरे मालिक का जा का जवाब बनी है गोलगप्पा। अबे नौकर, ठीक से साफ करो, गर्दा दिखना नहीं चाहिए। ओके। अरे पतली कमरिया हिलावे लपा लपा, अरे मालिक का जा का जवाब बनी है गोलगप्पा। बड़ा गाना गाओ तेरे रे भाई। गाना इसलिए गा रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है। खुशी? यस। कौन सा ऐसा खुशी मिल गई भैया? कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था, तब एक हलकट टाइप राहू और एक चिरकुट टाइप खेतु आ गया। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगे। मैं घबरा गया, मुझे लगा कि आज तुम्हें पकड़ा गया। लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड बहुत तेज टाइप निकली, उसने कालीन में लपेट कर एक कोने में मुझको खड़ा कर दिया। वो दोनों राहु केतु पूरे घर में ठूंठते रह गए, हमको पाया नहीं और लौट कर चले आए। और उसके बाद मैंने वही कालीन बिछाया, अपनी गर्लफ्रेंड को लटाया और फिर क्या 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 हुआ जिसकी तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। ओह माय गॉड, मैं तुम लोगों को एक कहानी को सुना रहा हूँ। एक काम करो, ये पकड़ो 2000 रुपए, मंदिर पर 2000 रुपए के बतासे। क्या बोला मैंने? मंदिर पर 2000 रुपए के बतासे बटवा देना मेरी राहु और केतु की शांति के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे कल 2 बजे मिलना है और मुझे उसके लिए लहंगा खरीदना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ भूतनाथ की दुकान पर। ओके माय डार्लिंग, आई एम कमिंग। और मारा हमारा के बुझाइल राहु केतु के बा के सेठ, अब अहिनो कुछ बिगड़ा लाई बा। तू अपना बहन सूटी के बिया हमरा से कर दो, कहीं बतासवा कुछ ऊपर नीचे कर दलस ना तो हम अहू बिया ना ही करब। सारे 5 लीटर पेट्रोल के इंतजाम कर, काल जला के बतासवा के राख कर देब राख। ठीक है। भैया चुप। का भेल भैया? ते चुप रह। घर में बहुत बुरी आत्मा घुसल हो। अच्छा, आत्मा? आज पेट्रोल छिड़क के हवन करा, वो के जलाई, पक्का जलाई। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं बा। बिल्कुल है, बहुत कुछ है। ये क्या कर रहे? अरे जल्दी जल्दी छिड़क, जल्दी जल्दी छिड़क। नहीं भैया, जल्दी जल्दी छिड़क। तो के समझ में आवत हो, कुछ ना समझ में आवत हो, प्यार के भूत चढ़ला। मालिक माचिस मारी, जलाई जल्दी, जलाई जलाई। पर्दों में लगाई, पर्दों में। हाँ, पूरा घर में आग लगा दी सेठ जी, बहू में। हाँ, हेहू हेहू, जलाई सेठ जी, जलाई। अरे भैया उमेश, जब कुछ जल के राख हो जाए, भूत जल जाए। भैया तोर कुल संपत्ति जल के राख हो जाए। का? बुतावा, अरे बुताओ जल्दी बुताओ। पकड़ पकड़, निकालो जल्दी।
यो हाँ मिस्टर ज्ञानीलाल गुप्ता अरे सारे कहाँ घुसा रे ऐसा होत रे अरे मैं बता सा हूँ बता सा अरे तू जिंदा कैसे बड़े आए मुझे मर जाना चाहिए था क्या कहीं तुम लोग मेरी मौत की साजिश में तो नहीं लगे हो क्योंकि कल तुम्हारी ही तरह दो गधे राहु के तू घर में आग लगाकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो तो मैं बच गया मेरी गर्लफ्रेंड खुदा की बनाई हुई नंबर वन पीस है जब वो दोनों गधे घर में आग लगाए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे संदूक में बंद कर ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद चाबी आग में फेंक दिया हाँ और इसके बाद जब वो जलने लगा तो फिर लड़की ने कहा मेरी गर्लफ्रेंड ने देखो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जल रही है दोनों गधे अपनी खोपड़ी पर लाद कर बॉक्स बाहर निकाले और मैं बच गया मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी होने वाली है वो आने वाली है तुम लोग फटाफट 15 किलो मोती चूर के लड्डू पैक करो हमें मंदिर में शादी करनी है एक मिनट फोन करता हूँ डार्लिंग ओ माय डार्लिंग माय स्वीट हार्ट माय बेबी कम ऑन जल्दी आओ मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा ओके ओके भैया स्वीटी मत मारा इनके ए स्वीटी हाँ अरे भाई तेरी बत्ती जला दे कुछ लौकात नहीं खे बत्ती बत्ती भुलाए गए तुम्हारा अंग्रेजी अब सीख गई ला भोजपुरी तू सीख गए नहीं बाबू अरे बुरी भाई हो ए स्वीटी ये बचा ला हमके मार डरे कुलो का हाल बना दे ले बा छोड़ दे भैया इनके कहे छोड़ दी अरे का भैया हम इनका बच्चा के माई बने वाला बानी हे भैया हे ज्ञानी गुप्ता भैया हमके जायदा हम जाते हैं लुधियाना कोई खेती वेती करब कुल भैया छोड़ दे हमके जायदा कहीं ना जाके मैं ब्याह करके ही जाके पड़ी कहीं का करबा ब्याह करके इतना पेल के मार देले हवा आंख हो गई लवानर जितना लड़का बच्चा पैदा हुए सारे कुल आनर पैदा हुई है अब चाहे आनर पैदा हो चाहे ढेबर पैदा हो अच्छा तो के तो ब्याह कर रही का पड़ी ससुर अच्छा का होई तू मामा बन गया सारे मामा चुप भाई कई लेकिन आगल बाड़ी काल उन्हन के दुबई भेजे के बा एक लड़की तक कमाले भैया कैसा हूँ वहाँ से निकले के व्यवस्था करा रात रंगीन हो जाए भाई चल चल रख ठीक बा हम बताओ तो नहीं आई आई भाई भाईजन 4 घंटा खाते जेल से बाहर निकल कर व्यवस्था करी ना पगला गल बड़े कुछ ऊपर नीचे हो गए तो सारा प्लान गड़बड़ा जाए भाईजन भाईजन प्लीज सिर्फ 4 घंटा खातिर 4 घंटा बाद हम खुद वापस आ जाए कुछ ना हुई भाईजन जेल में मन एकदम औजी आ गेल बा प्लीज भाई ना मन में अच्छा ठीक बजो लेकिन जल्दी आ जाइए ठीक बा भाईजन ठीक बा ए जेलर हमार भाई 4 घंटा खातिर बाहर जाए व्यवस्था करा अरे जैसन राव रिक्शा सेठ जी चला ली बाबू जो भाईजन खुदा ऑफिस खुदा ऑफिस ध्यान से जाइए तू कल चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा तू याद बहुत आएगी तो मैं दुबई चलाऊंगा भाईजान आओ तनी तुम जाओ उधर जाओ शू शू करने
सिपाही रे, सिपाही रे। हमरा भतीजा के पानी में डूबे रहले ना थे, आज तोरा के तोरे मौत में डुबाए ताकि तोर आत्मा घिना के तोर शरीर छोड़ दे। वाओ ब्यूटीफुल जान, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा। सिपाही रे, सिपाही रे, मरे से पहले तोरा के नपुंसक बनाई ताकि गलती से भी धरती पे दोबारा जन्म लेबे तो नपुंसक बन के पैदा होबे। सिपाही रे, सिपाही रे, मरिए मत, मरिए मत, सिपाही रे, मरी है मत। हथानी मार मत, मार मत। सेट पर का जरूरत रहे अली की जेल से बाहर भेजला के? कौनो काम करे से पहले एक बार पूछ तो ले ले होती। अरे जवाब दे तो मुश्किल होता, कैदी जेल से बाहर गई कैसे? अरे मार बात सुना तब ना, अबे भाई को गोली मार दे लेते रे, वही दिन तो पागल रही, लेकिन तू रोक ले ले ओके। बबर से देखा वीडियो बहुत वायरल हो चुकल बा, अब जनता के नजर में हीरो बन गई बा। अरे सिपाहियन के नजर में तो पहले से हीरो रहल। हमरा से ता मीडिया के सामने जवाब देते नहीं बनता, लगा था कि सत्ता भी हाथ से चल जाई। सत्ता चल जाई, सत्ता चल जाई, हमार जिगर से प्यारा भाई चल गई तो के सत्ता के लगल बा। ए, कान खोल के सुन ले तू लोग, अगर जारत से पहले उजे तो हुआ ना ठोकाइल तो तू लोग के तोड़ के फेंक दे। बोल रहुआ से कुछ बात करके रहा। हाँ बोल। एसपी के बहन से यादव के चक्कर हा, करे गद्दार नमोखर हम तोरे बहन का चक्कर बाबू यादव से, और तू हमें आज तक न बतोले। हम खुद शर्म से डूब गए बानी, यादव के खून से हमारी इज्जत वापस आई। अरे एक नंबर के बिकू बाड़ू तू, एक नंबर के बिकू, ये बात पहले ही बता दिले होते बिल्कुल करे का नुबत ना आई। एक काम कर, जो जो जाके अपना बहन से कहो कि तू उसे ब्याह करने का तैयार बढ़े, वो खुशी के मारे उजे जाई और उजे ठोका जाई। अरे लेकिन साथ में हमार बहन भी तो रहे, वो मर जाए। अरे बेवकूफ,
बहिन पहले निकली और बाद में ठुकाई। जो जितना एक्टिंग करे मैं ठुकर। ए मंत्री सुनो, एकर बहन जाई उसे मिली, हमार 100 गो हथियार बंद आने पुलिस बन के जाइए, पुलिस पर भरोसा नहीं के हमके। वो जैसे निकले ठोक दोगे। और एसपी की बहन का क्या हुई? कुर्बानी खाली हमार भाई हुए दी। सर बस जेल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता। मिल जाएगा यादव। का बात बा? बहुत खुश लगा तरु। बात ही इतनी खुशी की है, भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। अरे बरसल आसा अढ़तम तरसल इमा।
तोरे भैया पे कैसे भरोसा करें? कर लो भरोसा, भैया ने तो ये तक कहा है कि वो कोर्ट में तुम्हारी तरफ से बयान दे। रामदीप, राजेश, रामदीप, राजेश, चारों तरफ से घेर लो। पुलिस, पुलिस ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तोहार भैया धोखा दे दे रहे, अब लागत अब मिशन पूरा ना हुई। मिशन पूरा होगा, मिशन पूरा होगा यादव, तुम चिंता मत करो। मैं इनको सामने से चकमा देता हूँ, तुम लोग पीछे से निकल जाओ। अरे सर, ये तो मौत के मुंह में कूदना होगा। अब कूदना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास। चलो चलो आ जाओ। लड़े के बाट धर्म युद्ध कर, विशाल गर्जनों मिटी, भले ही जिंदगी मिटी का बोझ फर्ज ना। लड़े के बाट धर्म युद्ध कर, विशाल गर्जनों मिटी, भले ही जिंदगी मिटी का बोझ फर्ज ना। देश प्रेम देखना ही अपना पराया, जो भी हम गद्दार सबके कर दे सफाया। पलटू राम जी, सर मेरा गाड़ी तक पहुंचना बहुत, ऐसा करो जी सर, तुम लोग मुझे कवर फायरिंग दो। ओके ओके सर। चलो चलो निकलो। कटारू, पलटू, जय साहब, जय। बप्पर सेठ ने कहा है सबको उड़ा दो। पागल हो गया बप्पर सेठ, चलो चलो। हाथ ऊपर कीजिए एसपी साहब। तुम यहाँ गाड़ी में? मेरी बहन कहाँ है यादव? मेरी बहन कहाँ है? क्या हुआ? बात जब खुद पे आई तो सत्ते में आ गए। मैं अपने मकसद की कामयाबी के लिए किसी लड़की का इस्तेमाल नहीं करूंगा। चिंता मत कीजिए, आपकी बहन सुरक्षित है। अमरपाली, आर यू ओके बेटा? जाइए मैडम जी, इनके साथ गाड़ी में जाइए। नहीं यादव, मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती, वो भी इनके साथ। इन्होंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखा दिया। आई डोंट ट्रस्ट यू भैया। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में जाइए, बैठिए आप। चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा।
वर्दी गई तो क्या हुआ, जमीर अभी बाकी है। सत्यमेव जयते जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सिपाही रे, सिपाही रे। शेर ही बिगाड़ दे, पलक झपकते दुष्ट जन के खेल सब बिगाड़ दे। तीन रंग वाला सर पे जब कपन की मोड़ दे, महारानी के लाल रूहा के मोड़ दे। सामने बिगेला दे वाली। नाउ यू कैन ट्रस्ट मी। यादव, गलती तो हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है, और अगर गलती मुझसे हुई है तो इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। का रेस भी वहां कैसे रे भौंके आयल बड़े भौंक भौंक भौंके ना काटे आयल मनी। सिपाही रे, सिपाही रे। बासी रोटी और गरम खून के नाश्ता हम रबड़ निकला गेला। कसम खुदा की यादव, तो एजा आके हमार नाश्ता बन गई ले। तोरा के नाश्ता नसीब होई कि ना इतने के पता, लेकिन आज कुत्तन के भर पेट भोजन जरूर मिली।
नाश्ता ना कर बे जोन काम तोर लोहा के किल्ला ना कर पैलस इस सिपाही के डंडा कर दी देख आ गई ले देश के कर्णधार अपने ईमान धर्म के तोरा पास गिरवी रख के यहाँ आइल बाणे आजादी के जश्न मनावे एसपी खड़े खड़े क्या देख रहे हो रोको उसे नहीं सर आज यादव को कोई नहीं रोक सकता ये एक सिपाही की लड़ाई है उसे लड़ने दीजिए एसपी तुम अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर रहे हो आज पहली बार तो ईमानदारी कर रहा हूँ सर अब तक तो गद्दारी ही की है यू आर सस्पेंडेड कल जाती है आज चली जाए सर नौकरी की किसको परवाह यादव अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे मरता मोई दिन गई रानी जो ना दिनी कुत्ता एगो सिपाही के वर्दी के चूता के नीचे रोते ले रहे देखा देखा यादव सजा देले कानून के काम होला आम आदमी के ना कोना कानून के बात करता नहीं आप हाँ कोना कानून के बात करता नहीं आप जो ना कानून के आप जैसा नेता मंत्री ए बब्बर जैसा देशद्रोही से मिलके अपना घर के नौकर बना दे ले बा हम विश्वास दिला रहल बानी ई मीडिया के सामने कि तू बब्बर के छोड़ दा और सरेंडर कह दा बब्बर के सजा अदालत में मिली और तोरा बेगुनाही के भी कौन सजा के बात करता नहीं आप हाँ कौन सजा के बात करता रहा कौन जेल में रखबा ये जेल में जो ना जेल में ही दारू शराब पियता वह एयर कंडीशन रूम में तो नहीं लोग के मेहरबानी से सच पूछा बब्बर जैसा देशद्रोहियन खातिर जेल कौन फाइव स्टार होटल से कम ना और तोरा जानकारी खातिर इहो बता देता नहीं कि जेल में हजारों अपराधी ऐसा हमें जो जेल के अंदर से कौनो न कौनो नेता मंत्री खातिर काम करे सैकड़ों अपराधी ऐसा हमें जो जेल में रह के अपन कारोबार चलावे ले और कुछ सम्माननीय अपराधी ऐसा भी हमें जो जेल के अंदर से चुनाव लड़े ले और जीत भी जाले और कुछ पूजनीय अपराधी ऐसा भी हमें जो जेल के अंदर से सरकार चलावे ले तुहार कहे का मतलब देश में कानून नाम के कोनो चीजें नहीं खे अरे देश में प्रजातंत्र हो और नेता ही देश का मार्गदर्शक होला दुर्भाग्य बा हमरे देश के जनता के जो तोनी जैसे नेता के हाथ में देश के बागडोर सौंप लेवा झूठा वादा करके विधायक सांसद बनला के बाद तोनी के टारगेट का होला
करोड़ों की गाड़ी, 5-10 बंगला, ये 5 साल के लच्छोला न तो नहीं के, जो जनता तो नहीं के चुन के भेजले बा, कबो बिना सिक्योरिटी के वही जनता के बीच में जाके देखा, अगर चमड़ी न नोच ले, तक कहिया। एक बात बतावा, प्रदेश एकदम सुरक्षित बा, कानून व्यवस्था एकदम सही बा, केकरा दम पे बोले ला लो? ये पुलिस डिपार्टमेंट के बल पे, वही पुलिस डिपार्टमेंट के एगो सिपाही के का तकलीफ बा, कबू जाने की कोशिश कहिया, तोनी के तनख्वाह मिलेला 1,00,000 रुपया बिना टीडीएस कट ले, और हमनी के 20,000 वो टीडीएस काट के, सरकारी बस रेलवे सब जगह तोनी लोग के फ्री सेवा, तो हर लड़का पढ़ी है कन्वेंट में, और हमारा लड़का सरकारी स्कूल, तोनी खातिर एगो सिपाही के औकात का, सिपाही देश का असली हीरो होता है। अच्छा, ते कोई ईमानदार सिपाही से अपने बेटे के ब्याह करवा, कबल चुप कहे हो गए लोग, ओकरा खातिर तो तू लोग आईएस पीसीएस कोनो नेता मंत्री के खानदान ढूंढे ला लोग, अरे सच बात तो यही है कि तोनी लोग के नजर में एगो सिपाही के औकात नौकर से ज्यादा नहीं खे, लेकिन हमनी के युवर्ती तोहरा बेटा के स्कूल छोड़े खातिर नहीं खे पहन ले, तोहरा घर में पार्टी होई तो वहां मेहमान के स्वागत करे खातिर नहीं के पहन ले, आज आज बताइब हम कि एगो सिपाही के औकात का होला। देखा यादव, तोरा से एक गो बिनती बा, तू बब्बर जैसन अपराधी के मार के गुनाह मत कर, आज तई गुनाह करब, करब ही गुनाह, कहे कि अगर आज हम ही गुनाह ना करब तई हरामी पता ना और कितना गुनाह करी, पता ना और कितना परिवार के बर्बाद करी, आज तो हम ही गुनाह कर, कहे कि उतनी दूर देखे जब एक राजा जैसन कतली देश चली है, और ही हम ओके ना दे हिंदुस्तान के कतली ना चली है। यादव, बचपन से सुना था रालवानी कि कानून अपना हाथ में ना लेवे के चाहे, लेकिन आज आज कानून अपना हाथ में ले, ले अपना हाथ में कानून, भारत माता की जय, सिपाही रे जयते जयते सप्तमेव जयते, सिपाही रे सप्तमेव जयते जयते सप्तमेव जयते, सिपाही रे जयते जयते सप्तमेव जयते, सिपाही रे सप्तमेव जयते जयते सप्तमेव जयते। लड़े के बाटे धर्म युद्ध कर विशाल गर्जना, मिटी भले ही जिंदगी मिटी कबो ये फर्ज ना, लड़े के बाटे धर्म युद्ध कर विशाल गर्जना, मिटी भले ही जिंदगी मिटी कबो ये फर्ज ना, बैन प्रेम देखे ना ही अपना।